हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। एग्जाम्स पास आ रहे हैं और हम में से कई लोगों ने पढ़ाई के लिए अपना टाइम टेबल तैयार किया है और अब सोच रहे हैं कि इसे कैसे अचीव किया जाए। बहुत से लोगों ने 7 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए रखे होंगे, पर इतने लंबे समय तक पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वो टाइम टेबल अनअचीवेबल लगता है और हम पैनिक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। आज हम आपको गाइड करेंगे कि हम लंबे समय तक कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब एकेडमिक्स या फिर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने की बात आती है, तब आप कितने घंटे पढ़ते हैं इसका महत्व उतना नहीं रहता, आपकी क्वालिटी या एफिशिएंसी का महत्व रहता है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है खुद को प्रिपेयर करना और एनालाइज करना। जब हम कह रहे हैं कि अपने आप को तैयार करें, तब हम मेंटली प्रिपेयर होने की बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस रखें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमें अपने आप को ये बताना है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी और मुझे ये करना है। खुद को समझा ना पाना बहुत ही बड़ा बैरियर है और अगर आपने ये क्रॉस किया तो आधी लड़ाई आप पहले ही जीत चुके हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो चांसेस है कि आप कम पढ़ाई करेंगे या फिर अपना टारगेट अचीव करने में फेल होंगे, क्योंकि आप हमेशा खुद के बनाए गए बैरियर के बारे में सोचेंगे। हमें खुद को एनालाइज भी करना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बिना सोचे प्लान बनाते हैं और वो ऐसा प्लान बनाते हैं जो वो कभी अचीव ना कर पाए। तो खुद को एनालाइज करो, देखो कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और फिर टारगेट सेट करो। अपने टाइम टेबल के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। टाइम टेबल और रूटीन फाइनलाइज करने से पहले सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स को मिक्स मैच करो। दोस्तों, अच्छे से आराम करना ना भूलें। अगर आप थक गए हो और आपने अच्छे से आराम नहीं किया है तो फोकस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। जब आप एग्जाम लिखोगे या फिर पढ़ाई करने के लिए ट्राई करोगे तो इसका असर आपके थॉट प्रोसेस पे होगा, इसीलिए आप स्टडी मैराथन से पहले प्रॉपर रेस्ट जरूर लें। ड्रिंक्स और फूड की चॉइस करते समय ध्यान रहे, ऐसे ड्रिंक्स और फूड चूज करें जिससे आप पढ़ाई करते रहे और आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। टाइम टेबल बनाते समय आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं उनकी पढ़ाई पहले करें, क्योंकि शुरुआत में आपकी एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में इजी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। अगर आप इसलिए एक्सेप्शन हो तो आप वो सब्जेक्ट चूज करो जो आपको उस समय डिफिकल्ट लगता है। अपने एनर्जी लेवल के आधार पर प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर करें। एक्सरसाइज, जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज इफेक्टिव स्टडी के लिए साथ ही में ब्रेन की एक्टिविटी बूस्ट करने में मदद करती है। फिजिकल एक्सरसाइज से लर्निंग एबिलिटी और लॉन्ग टर्म मेमोरी बूस्ट होती है और एंजाइटी और डिप्रेशन कंट्रोल में रहता है। पर एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप चाहें तो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए और काम रहने के लिए मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ब्रेक्स, बहुत से लोग ब्रेक नहीं लेते और कंटिन्यूसली पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों, पढ़ाई करने का ये सही तरीका नहीं है। टाइम इम्पॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप पढ़ाई के बीच ब्रेक नहीं लेते तब आपका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है और आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। ऐसी सिचुएशन में आप कितनी भी पढ़ाई करो, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो इफेक्टिवली पढ़ाई करें। हर 45 मिनट में पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। आप बीच में सो भी सकते हैं, इससे आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होगी और छोटी नैप आपको इवनिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज पढ़ने के लिए मदद करेंगे। Eat well to maintain energy levels. खाना हमारी आधारभूत आवश्यकता है, तो अच्छा भोजन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फास्ट फूड कम खाना, क्योंकि ज़्यादा शुगर और सॉल्ट खाने से हम सुस्त हो सकते हैं। पढ़ाई के लिए हैवी फूड मत खाना, क्योंकि इससे हमें नींद आ सकती है।
लेकिन फ्रीक्वेंटली लाइट फूड खाने से आप एनर्जाइज्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, साथ ही में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अपना फोन दूर रखें, क्योंकि इससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और सोशल मीडिया सर्फ करने से पढ़ाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। शांत जगह पर बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब अपना फोन साइलेंट मोड पर रखें या फिर अपने से दूर रखें। स्टडी ब्रेक के बीच भी अपना फोन चेक ना करें। सुनिश्चित करें कि पढ़ाई के लिए आपके रूम में अच्छी लाइट है। बस टेबल लैम्प के लाइट से आपको कोजी फीलिंग हो सकती है, जिससे आपको नींद आ सकती है। डीम रोशनी वाले कमरे के लिए भी ऐसा हो सकता है, तो अपनी स्टडी रूम रोशन रखें। कंफर्टेबल सिटिंग अवॉइड करें, बेड या फिर काउच पे पढ़ाई ना करें। आप पढ़ाई के लिए टेबल और चेयर का यूज़ कीजिए। साथ ही में दोस्तों सुनिश्चित करो कि आप जिस चेयर का यूज़ कर रहे हैं वो कंफर्टेबल है और उससे आपका पोस्चर भी मेंटेन हो रहा है। ऐसी चेयर यूज़ ना करें जिससे आपको बैक प्रॉब्लम हो या आपको नींद आए। ट्राई टू बी मोर क्यूरियस। पढ़ाई मज़ेदार हो सकती है अगर आप मगअप करने की जगह सीखने के लिए क्यूरियस रहे। हमारी एडुकेशनल सिस्टम मार्क्स और ग्रेड्स पे डिपेंड है, इसीलिए सीखने को इम्पोर्टेंस देना डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये महसूस करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का पूरा सार प्रक्रिया में सीखना और आगे बढ़ना है। इसीलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए क्यूरियस रहे। देखिए कि टाइम कितना आसानी से जाता है। आप इफ़ेक्टिवली पढ़ने के लिए ऑनलाइन कंटेंट भी देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल लर्निंग से पढ़ाई इफ़ेक्टिवली होती है। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसे सिर्फ पढ़ो मत, उसे लिखकर पढ़ने की कोशिश करें। आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो या फिर उसे मार्क करो, या फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ट्री डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बनाओ, जिससे आपको याद रखने में या फिर लॉजिकली कॉन्सेप्ट लिंक करने में मदद होगी। इससे आपको बस चीज़ें याद ही नहीं रहेगी पर आपको साथ ही में सेल्फ मेड नोट्स भी मिल जाएंगे। फाइनल रिवीजन के लिए आपको इसे गो थ्रू करना बहुत ही कन्वीनियंट होगा। हर कोई वो छोटी से छोटी तरकीब या शॉर्टकट यूज़ करना चाहता है जो उसे दूसरों से आगे रख सके। आपके स्टडी स्केड्यूल में ऐसी ही एक तरकीब है कि आप अपनी पढ़ाई को और इफ़ेक्टिव बनाएं। दोस्तों क्या होगा अगर आपने इफ़ेक्टिव स्टडी आवर्स को 8 से 10 घंटे तक बढ़ा दिए? जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आप ये टिप्स ज़रूर ट्राई करें, इससे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।